नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरबा में नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे के आवास पर ईडी की रेड, सुरक्षा घेरे में लेकर की जा रही छानबीन। आयुक्त आवास में आवागमन पर लगाई गई रोक। धमतरी में बीजेपी कार्यकर्ता ने किया महापौर निवास का घेराव, 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, अधिकतर रैली निकालकर जताया विरोध। नारायणपुर में बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में निकाली गई रैली, कांग्रेस सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सिलदा में साइकिल स्टैंड का भूमि पूजन, नाबार्ड अधिकारियों ने किया विकास कार्यों का अवलोकन, ग्रामीण हाट बाजार की भी लिया जायजा। और चक्करभाटा में धूमधाम से मनाया गया चंद्र उत्सव, सिंधी अकादमी के अध्यक्ष राम गिरलानी हुए शामिल। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरबा जिले के नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे के निवास स्थान पर ईडी की छापेमार कार्रवाई की सूचना मिली है। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम सुबह सुबह कलेक्टर कार्यालय परिसर के पीछे स्थित नगर निगम आयुक्त के आवास पर पहुंची और आवास को सुरक्षा घेरे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। आयुक्त आवास में आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है। खबर धमतरी से है जहां अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता रैली निकालकर महापौर निवास का घेराव करने पहुंचे। वहीं घेराव को देखते हुए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बैरिगेटिंग कर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश और जिला नेतृत्व के आह्वान पर विधानसभा स्तरीय धिक्कार रैली निकाली गई। वहीं घड़ी चौक के एकत्रित होकर रैली के रूप में अठवानी गली लाल बगीचा होते हुए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महापौर निवास की ओर बाजू गाजे के साथ निकले। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी 13 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें ड्रेनेज न होने से जलभराव, युवाओं में नशाखोरी, सड़कों की दुर्दशा, विकास शुल्क, अवैध वसूली, स्वच्छता, दीदियों की उपेक्षा आदि शामिल है। यदि इस पूरे सत्र में धमतरी नगर का किसी ने विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे जल आवर्धन संयंत्र के रूप में हो, चाहे नगर घड़ी के रूप में हो, चाहे ऑडिटोरियम के रूप में हो, चाहे धमतरी को जिला बनाने का भी मामला हो, ये सारे चीजों में किसी का योगदान है तो भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। लेकिन साढ़े तीन साल का ये कार्यकाल और लगभग 4.5 साल का छत्तीसगढ़ सरकार का कार्यकाल, यदि धमतरी के विकास की बुनियाद में कोई भी एक कार्य काम भी रखा होगा, एक नींव का पत्थर भी इन्होंने, एक ईंट भी रखा होगा, तो बता दे आज भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग धमतरी के हित के लिए, धमतरी के जनता के हित संवर्धन के लिए, यहाँ के विकास के लिए यहाँ धिक्कार रैली के रूप में आए हैं। सबसे पहली बात तो 4 साल में जो धमतरी की स्थिति बद से बदतर हुई है उसके जिम्मेदार धमतरी नगर निगम के महापौर विजय देवांगन जी हैं। चुनाव से पहले जितने भी वादे इनकी सरकार और इन्होंने नगर निगम के चुनाव के पहले किए थे उसमें एक भी वादे पे काम चालू नहीं हुआ। पूर्ववर्त जो हमारी नगर निगम में चल रही थी महापौर के समय में सरकार, और जितने काम किए थे उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी ना करके बर्बाद कर दिया। जो 10 काम की शुरुआत इन्होंने की थी वो काम धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ, उसका पूरा पैसा भ्रष्टाचार में इन लोग और इनके पूरे समूह पार्षद सहित सब लोग खा पी के बराबर कर दी। आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, चाहे गांव के रहने वाला कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की जनता हो, जिस प्रकार से इन्होंने हाहाकार मचा रखा है, भ्रष्टाचार की जाल पूरे छत्तीसगढ़ में बिछाया गया है। और इस धमतरी शहर में विशेषकर आज मैं उपस्थित हुआ हूं, यहां के महापौर के द्वारा सामंतवादी तरीके से इस वार्ड के महिलाओं ने जिस प्रकार से आप लोगों के सामने अपना वक्तव्य रखा, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ के मतदाता हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निगम के पार्षदों के द्वारा धिक्कार रैली निकाली गई है, जो इन्होंने अपने नगर निगम के जन घोषणा पत्र में और प्रदेश में जो जन घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था वो वादा आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ है। उसी को याद दिलाने के लिए आज हितग्राहियों के साथ हम आए महापौर से मिलने के लिए, हमें रोका गया है। आज जो प्रधानमंत्री जी की महती योजना है प्रधानमंत्री आवास, कैसे हितग्राहियों को उससे वंचित किया जा रहा है,
इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, कैसे युवाओं के अधिकार से वंचित करने का प्रयास लगातार ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आज इसको जगाने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के स्तर के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रही है पूरे प्रदेश भर में। आज धमतरी नगर निगम के महापौर के घर तक घेराव का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। अब घेराव जनता के हित के और उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी महापौर जी के घर तक पहुंची है शांतिपूर्वक। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाया है, शासन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। आज अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो निश्चित रूप से जो जनता के प्रति आपकी जो जवाबदेही है उसको आपको पूर्ण करना पड़ेगा। खबर नारायणपुर से है जहां बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप की अगुवाई में कांग्रेस सरकार के कार्यों का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विशाल रैली निकालकर राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा गया है ज्ञापन, और इस दौरान भारी बारिश के बीच भी कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया है। वहीं नगर पालिका परिषद के घेराव के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। इस कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री संजय नंदी के द्वारा किया गया और इस दौरान सड़कों पर कार्यकर्ताओं का भी सहयोग रहा। वही आपको बता दें कि इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं का भी सहयोग रहा है कार्यकर्ता। खबर तिल्दा से है जहां एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक उपलब्धि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते विकास के लिए काम करने वाले नाबार्ड के सीजीएम ज्ञानेंद्र मणि, एजीएम जगदीश गायकवाड़ और सहायक प्रबंधक दौलत राम मीणा ने बीते दिन ग्रामीण हाट बाजार बहेसर का दौरा कर विकास की गतिविधियों का अवलोकन किया था, जिसके तहत नए विकास कार्य को दिशा दिखाते हुए अल्ट्राटेक बैकुंठ के सीएसआर के सहयोग से बनने वाले हाट के अतिरिक्त साइकिल स्टैंड का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण हाट का उद्घाटन स्थानीय ग्रामीण समुदाय के विकास और आर्थिक स्वावलंबन को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। खबर मुंगेली से है जहां एएसआई दिलीप प्रभाकर के बेटे ने मॉडलिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रथम स्थान हासिल किया है। इस दौरान एएसआई के बेटे को इनाम स्वरूप 1,00,000 रुपए भी मिले हैं। पूरे प्रदेश में एएसआई के बेटे ने प्रथम स्थान पाकर प्रदेश समेत मुंगेली जिले का भी नाम रोशन किया है। वहीं एएसआई के बेटे ने जीत से पूरे परिवार और जिले में खुशी का माहौल है। नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र में बारिश के कारण कुकुर नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। नदी के दोनों छोर पर आने जाने वाले लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चे, कर्मचारी और व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ सभी नदी नालों के आसपास नजर आ रहा है ताकि किसी भी प्रकार से जनधन की हानि ना हो सके। आपको बता दें कि जो कि नगर पालिका क्षेत्र में बारिश के कारण कुकुर नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। नदी के दोनों छोर पर आने जाने वाले लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि जिसकी वजह से स्कूली बच्चे, कर्मचारी और व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ सभी नदी नालों के आसपास नजर आ रहा है ताकि किसी भी प्रकार से जनधन की हानि ना हो सके। छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के द्वारा कांकेर राजिम भाटापारा बेमेत्रा में संत कंवर राम के जीवन पर आधारित सिंधी नाटक और कथा का आयोजन किया गया। उसके उपरांत धमतरी और चकरभाटा विलासपुर में साईं झूलेलाल की चालियों महाउत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में डांडिया नृत्य और संगीत का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सिंधी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के अध्यक्ष राम गिंडलानी और
उनके सिंधी अकादमी के सदस्यों ने भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खबर बिलासपुर से है, जहां आधे घंटे की बारिश से शहर में जगह जगह पानी भर गया है, जिससे आम लोगों को आने जाने में काफी समस्या होने लगी। बता दें कि अभी बारिश और मानसून का मौसम चल रहा है और इसके बाद भी नाले का निर्माण अभी हाल ही में किया जा रहा है। बिलासपुर में मुख्य चौक चौराहों की नालियां अभी बनी है और जिससे बारिश का पानी निकलने में दिक्कत आ रही है। इस वजह से आम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बिलासपुर नगर निगम आए दिनों अपनी अजीबोगरीबों कार्य के लिए चर्चा में रहते हैं। ये तो बहुत प्रॉब्लम ही हो रही है, पहले तो वही प्रॉब्लम थी ही, आज भी वही प्रॉब्लम हो रही है, पहले से कहीं ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये नया रोड बनने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी मतलब वही जाम हो रहा है, पूरा इन्फेक्टेड हो रहे हैं लोग, इसमें मतलब आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। जगह जगह गड्ढे हैं अभी भी, उबड़ खाबड़ है, बाइक को आने जाने में मतलब वो फिसलन होता है, वो मिट्टी जमा हो रहा है और यहाँ पूरा फिर पानी भर जा रहा है। तो कोई मतलब का नहीं ना इस सब चीज होने का, पहले भी वही चीज था और अभी भी वही चीज है, इसमें कोई मतलब हमको तो सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है ना। और फिर वोट मांगने आ जाते हैं, सब कुछ करने जाते हैं, फिर क्या चीज का सोल्यूशन दे रहा है बताइए ना, पूरा पानी भरा जा रहा है। सिटी के लिए बात की है, स्मार्ट सिटी है, इसके सालों से काम चल रहा है, क्या इससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ सर, क्योंकि देख रहे हैं वही हाल है जो पहले था, उससे भी बदतर हाल अभी हो चुका है, उससे भी बदतर हाल हो चुका है मेरा। 9 अगस्त को पूरे विश्व में मूलवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी कड़ी में बिलासपुर के तखतपुर मूलवासी समिति के सदस्यों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से आमंत्रण दिया है और ज्ञापन में साफ लिखा है कि यदि प्रशासन हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग नहीं करता और अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाता तो हम भी स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम करेंगे। गरियाबंद जिले के विकासखंड देवभोग में जंगली हाथी दिखने को मिला है और जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। इस दौरान हाथी करीब 7 घंटे तक 300 मीटर की परिधि में भाग दौड़ करता रहा, साथ ही लोगों के छेड़ने से हाथी गुस्से में आ गया। वहीं भीड़ को नियंत्रण करने फॉरेस्ट विभाग, पुलिस और राजस्व के 70 अफसर दिन पर जुटे रहे। आपको बता दें कि इसी के साथ उसी इलाके में एक कुत्ते ने 15 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काट लिया है, जिससे सभी लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं एक लड़का हाथी को देखकर बेहोश हो गया। कवर्धा में नवनियुक्त एसपी अभिषेक पल्लव कुछ दिनों से खामोश चल रहे हैं, लेकिन चोरी के आरोप में फंसे मुजरिम से एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में सवाल जवाब करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि चोरों द्वारा अलग अलग जगह से बाइक चोरी करने की शिकायत आ रही थी, जिस पर कवर्धा पुलिस द्वारा आरोपी को पता साझी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है और इस दौरान आरोपी के कब्जे से चोरी के 7 बाइक भी बरामद की गई है। साथ ही कवर्धा वासियों से एसपी ने अपील करते हुए कहा है कि बाइक और अन्य वाहनों से अनियमिततापूर्वक वाहन चलाते देखे जाने के साथ ही वीडियो बनाकर उनको सेंड करने पर 500 रुपए का इनाम उनके द्वारा देने का ऐलान किया गया है। कवर्धा जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि रैश ड्राइविंग करेगा, फटफट करते हुए आवाज करते हुए गाड़ी चलाएगा, जिससे कि लोगों को एक्सीडेंट होने के और असुविधा होने की तकलीफ हो सकती है, ऐसे लोगों का जनता से मैं आह्वान करता हूं कि ऐसे रैश ड्राइविंग और आवाज करने वाली गाड़ियों का वीडियो बनाएं, जिसमें गाड़ी का नंबर स्पष्ट दिखे और मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 7898815399 पे वीडियो बना के भेजे। जो व्यक्ति भेजेगा उसको मेरी तरफ से 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा और एसपी ऑफिस में सम्मानित किया जाएगा। खबर बिलासपुर से है, जहां मोपका आवास पारा के क्षेत्र में अब कई कॉलोनियां बन गई है और क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन आवागमन की सड़क आज भी सिंगल और जर्जर हालात में है। साथ ही अतिक्रमणकारियों ने भी कब्जा कर रखा है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। वहीं इसको लेकर लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
आज मोक्का वार्ड क्रमांक 48, मोक्का स्थित वार्ड क्रमांक 47 नंबर में जो सड़क की मांग को लेकर के, वो सड़क सिंगल रोड है, उसको डबल बनाया जाए, क्योंकि वो आज की डेट में काफ़ी व्यस्ततम सड़क हो गया है। लोग शॉर्टकट के लिए उस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सीधे धान मंडी निकलता है। वो सड़क वर्षों से सिंगल है और जर्जर स्थिति में भी है, तो उसको डबल करने के लिए चौड़ीकरण की मांग को लेकर के हम माननीय जिलाधीश महोदय को आग्रह किए हैं, ज्ञापन दिए हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे उस रोड में जो अतिक्रमण है, कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उस अतिक्रमण के कारण रोड और सक्रिय हो गई है और कई जगह अंधे मोड़ हैं, तो वो उस पे कार्रवाई की मांग को लेकर के हमने जिलाधीश महोदय से आग्रह किया है। इसी संबंध में समस्त ग्रामवासी आश्वासन मिला, कलेक्टर साहब ने कहा कि शीघ्र कार्रवाई करेंगे। आते हैं मोहल्ला में हम लोग रहते हैं, वहाँ टर्निंग है, सामने ट्रैक्टर वाले हैं साइकिल करके, तो कभी ट्राली खड़े रहते हैं तो कभी बड़े गाड़ी जाते आते हैं, तो मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पाते हैं। और एकदम गोलाई में है वो बाउंड्री वाल, कोरी साहब पहले ही पाए थे उसको। सागर जिले के गढ़ा कोटा के रंगोली, आपको बता दें कि रागोली ग्राम में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षकों की लापरवाही के कारण बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जहां शाला में हेडमास्टर के उदासीनता के कारण पूरी शाला महिला शिक्षकों के भरोसे चल रही है और जिन्हें बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की कमी है, लेकिन कई शिक्षक स्कूल से नदारद रहते हैं और इससे आपको बता दें कि जिसके कारण छात्रों को परेशानी हो रही है। ऐसे ही हमेशा लेट आते हैं, बहुत ही कमाल है टाइम पर। कितने बजे तक आते हैं हम? 11-12 को, 1-1.5 बजे भी आ रहा है, ऐसे आते हैं, टाइम पे आते ही नहीं है। आपका बालक पढ़ता है यहाँ? हाँ, दो बच्ची एक लड़का पढ़ता है। 11 बजे, 11:30-11 बजे आपका बच्चा पढ़ता है क्या? हाँ, इस साल आज आप यहाँ स्कूल आए हैं, क्या कारण है, क्यों आए हैं? लेट आते हैं, टाइम पे लगता ही नहीं है। 11 बजे अभी तो 11 बज के ज्यादा मिनट हो गए हैं, फिर क्यों नहीं आए? थोड़ी लेट हो गया है। 11 बजे आते हैं। अभी कितने बजे? 11। फिर क्यों नहीं आए? टीचरों की लापरवाही मिली, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या लापरवाही मिली? टाइम टेबल ही नहीं है कोई आने का। अभी तक आए हैं क्या? अभी भी नहीं आए टीचर, मैडम तो आ गई है टाइम से। कितने शिक्षक हैं? शिक्षक 3 शिक्षक है, तीनों नहीं आए। हेड की लापरवाही है। क्या लापरवाही देखने को? नहीं आती, टाइम से आते हैं तो चाबी साथ में ले जाते, वो मैडम आ भी जाते तो यहाँ परेशान होते, चाबी नहीं देते। यहाँ जो एक परिसर शाला है, लगभग में 300 से ज्यादा बच्चे इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, कितने शिक्षक पदस्थ हैं यहाँ? 9 शिक्षक हैं। तो अभी कितने आए हैं? अभी 6 मैडम आई हैं। बाकी शिक्षकों का आपने पता किया है? उनका कोई टाइम टेबल नहीं, ना कोई आना ना जाना, और चाबी अगर ले जाते तो क्लासेस में लगता है। ये अभी हमारे संज्ञान में अभी 1.5 घंटे पहले ही आया है, तो हमने अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को बोला है कि इस प्रकरण की जांच करें, CAC को भेजें और तत्काल जो भी अनियमितताएं हैं उसको सामने लाएं, और जो यदि अनियमित शिक्षक हैं तो उनके खिलाफ एक प्रतिवेदन बना के दें, जिससे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। भाई साहब, एक चीज़ और देखने में आया, जो वहाँ की जो स्कूल है वो क्षतिग्रस्त है और लीकेज की प्रॉब्लम है और बच्चों को बैठने में भी दिक्कत जा रही है, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इस पे ये DRC में सब इंजीनियर रहते हैं, इनसे मौके का अवलोकन करा के एस्टीमेट बनवाए गए थे, और जो एस्टीमेशन के अनुसार राशि की डिमांड भोपाल DPC के द्वारा की गई है, जैसी राशि आती जाती है वहाँ का मेंटेनेंस का कार्य DPC। खबर शहडोल से है, जहां बांका गांव के जंगल में 5 हाथियों का समूह बीती रात एक विकलांग वृद्ध महिला के घर के सामने पहुंच गया, जहां वन कर्मचारियों ने साहस दिखाते हुए महिला को खाट सहित देर रात घर के बाहर सुरक्षित निकाला, जिससे उसकी जान बच सकी है। और इस दौरान हाथियों ने ग्राम बांका और दूधमनिया गांव के ग्रामीणों, जो कि गांव से बाहर रहते हैं, उनके घरों पर हाथियों ने तोड़फोड़ की है। तीन दिन हमला करी ने मेरे पर, और उकर बाद में फिर वो सब तोड़ फाड़ दें पर्ची घर का, मतलब पीछे से भी तोड़ पूरा फोड़ के पूरे अनाज का भी खा गए, बारी के पूरी जितना है कटहर अथवा केरा और गन्ना पूरी उजाड़ दी, घर में धान चावल
दार इनका सब पूरा निकाल के खाए गए। कितने हाथी रहे? 5 हाथी। खबर सारंगढ़ बिलाईगढ़ से है, जहां इन दिनों जिले में दुर्घटना लगातार हो रही है। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड में बसों को व्यवस्थित नहीं रखा जा रहा है, जिस वजह से आम जनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर एनएसयूआई के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और बस स्टैंड में बसों का उचित रख रखाव कर उचित समय पर ही अपने स्थान से बाहर निकलने के लिए निर्देश देने एवं ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। सारंगढ़ का जो केंद्र है हमारा बस स्टैंड, उसमें सारंगढ़ में जो बसों की व्यवस्था है वो व्यवस्थित नहीं है। उसको लेकर हमने आज NSUI ज्ञापन सौंपा है हमने, और इस पे मांग की है कि व्यवस्थित ढंग से बसों को रखा जाए और ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जाए। NSUI सदैव छात्रों के साथ में जनहित की लड़ाई लड़ती रही है, और अभी भी अगर इस प्रकार से कोई हमारे द्वारा ज्ञापन का असर नहीं होता तो आंदोलन करके हमने हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे। रायपुर में सड़कों पर खुला घूमता मवेशियों का झुंड वही दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। यहां अक्सर मवेशियों के झुंड को बीच सड़क पर घूमते हुए देखा जा सकता है, और जिससे यहां आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि अटल नगर में मवेशियों से आए दिन दुर्घटनाएं होती है, और खुली सड़क के कारण यहां तेज रफ्तार से वाहने आती जाती है, जिससे कभी भी ये मवेशी बीच में आ जाते हैं और दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम की ओर से भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निगम का मवेशी वाहन केवल शहरों तक ही सीमित रह गया है। आपको बता दें कि जबकि निगम को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। खबर रायगढ़ से है, जहां जिले के तमनार थाने के अंतर्गत गोजी गांव में दो युवकों की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद ही तत्काल तमनार पुलिस और SDOP दीपक मिश्रा मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की है। वहीं घटना में मृतक युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए CHC तमनार भेजा गया है। इस मामले में मृतक की पहचान शत्रुघ्न चौहान और उद्धव चौहान के रूप में हुई है, और फिलहाल पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। जी, ये ग्राम गोड़ी की घटना है। अभी आज सवेरे यहाँ पर शत्रुघ्न चौहान और उद्धव चौहान नाम के दो युवकों को मार पीट के हत्या कर दी गई है। इसमें एक हरिलाल उरांव का नाम स्पष्ट हमको पता चला है, और उसको हमने अभी हिरासत में ले लिया है। उसके द्वारा अपने अपराध को कबूल भी किया गया है, बताया गया है अपराध के बारे में। इसमें अभी मौके पर हमारी टीम आगे की तफ्तीश कर रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी हो सकते हैं उन सभी से पूछताछ की जा रही है, और आगे अभी इसमें हमारी जांच जारी है। महासमुंद जिले के सरायपाली जैसे छोटे से शहर में रहने वाले 22 वर्षीय सिमरन अरोरा ने मिस आइकॉन ऑफ इंडिया के विनर बनकर सरायपल्ली के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन किया है। उनके इस उपलब्धि से पूरा परिवार और शुभचिंतक काफी खुश नजर आ रहे हैं, और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने उनके घर पहुंच रहे हैं। BCOM सेकेंड ईयर तक की पढ़ाई कर चुके सिमरन अरोरा जब 5 वर्ष की उम्र में थी, तब से उनका मॉडलिंग की ओर रुझान है, और इसी सोच के साथ वह लगातार प्रयास करते रही और पिछले एक साल में उन्होंने 6 अवार्ड जीते हैं। वहीं इस साल 13 जुलाई को रायपुर के शीतल इंटरनेशनल होटल में आयोजित मिस आइकॉन ऑफ इंडिया में उन्होंने सबको पीछे छोड़कर मिस आइकॉन ऑफ इंडिया का खिताब जीता है। ऑल इंडिया की मिस आइकन ऑफ इंडिया 2023 की मैं विनर हूँ, और जाहिर सी बात है कि विनर बन के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जो कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स के साथ साथ मैं अपने क्षेत्र को भी आगे लेके जा रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मेरे क्षेत्र के लिए। इसका आपको कैसे जुनून चढ़ा, कब से आप इसके पीछे थी, इसके बारे में बताएं। देखा जाए तो जब से मैं छोटी थी, जब मैं 5 साल की उम्र की थी, तब से ही गानों को देख के, एल्बम्स को देख के, एक गाना आता था कांटा लगा, उसको देख के हमेशा से इंस्पिरेशन होती थी कि मम्मा मेरे को इसके जैसे बनना, ये है कौन, ये कपड़े कैसे पहनती है, ऐसे कपड़े कौन पहनते हैं, तो हमेशा बोलते थे कि बेटा ये मॉडल होती है। तो तभी से मेरा जुनून चालू हुआ कि हाँ, मेरे को इतनी फेम पानी है अपनी लाइफ में, तो बस सफर तभी से है। देखिए, अगर देखा जाए तो अगर आप टाइटल्स हासिल करने और उपलब्धि हासिल करने की बात करें, तो पिछले एक साल में ही मैंने सारे अवार्ड और सारी उपलब्धियां हासिल की है।
बेमेतरा जिले के नगर पंचायत बरेला में बीजेपी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। वहीं घेराव करने से पहले बीजेपी नेताओं ने मंच के माध्यम से प्रदेश सरकार और क्षेत्रीय विधायक पर आरोप लगाए थे, जिसमें उनके संरक्षण में अवैध रूप से जुआ सट्टा गांव-गांव में कोचियों के माध्यम से शराब बिक्री करवाने का और उसमें कमीशन खोरी का आरोप लगाया। वहीं पूर्व विधायक अवधेश चंदेल ने विधायक को असंवेदनशीलता के साथ पूरे बेमेतरा विधानसभा में अवैध कार्य को बढ़ावा और संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें।